क्लोज मतलब जिस पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पर जाकर खत्म करें, कहीं ओपन नहीं होगा, ठीक है। करंट ऑलवेज फ्लो थ्रू क्लोज सर्किट्स, देर इज नो करंट इन ओपन सर्किट। यदि ओपन सर्किट होगा तो करंट नहीं बहेगा, ठीक है। कहीं पर भी दो पॉइंट टूटे हुए होंगे, देर विल नो करंट फ्लोइंग थ्रू इट दैट, बट इफ द सर्किट इज कंप्लीट क्लोज वन देन ओनली करंट विल फ्लो, ठीक है। तो यहां पर अपन एक ऐसी सर्किट क्लोज सर्किट लिया हुआ है विच हैज अ फ्यू रेजिस्टेंसेज एंड ए फ्यू सोर्सेज ऑफ सेल, सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट इज बैटरी और सेल, ठीक, सबको कनेक्ट कर दिया, ये एक क्लोज सर्किट कहलाता है। अब इसमें किरचॉफ्स करंट लॉ तो लगना नहीं है क्योंकि कहीं कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं जहाँ कहीं कुछ करंट आ रहे हैं और कुछ करंट लीव कर रहे हैं, लेकिन तब भी सॉल्व तो कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लगाते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसके पहले था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, याद हो गया होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इफ देर आर अ फ्यू रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर एंड बैटरी और ए सेल इज कनेक्टेड टू कंप्लीट द सर्किट, देन समेशन ऑफ ऑल EMF सोर्सेस, अलजेब्रिक समेशन, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब होता है, अपने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर बाय ओम्स लॉ, उसी को पढ़ाया गया। ये होता क्या है, V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R। यदि एक पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट है और रेजिस्टेंस में पता चला 2 वोल्ट ड्रॉप हो गया है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 वोल्ट, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स इट इज ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस। यहाँ पर भी कई रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए हैं, R1, R2, R3, हर किसी के अक्रॉस में करंट I इज फ्लोइंग थ्रू इट, देयर विल ड्रॉप, कितना होगा R1 के अक्रॉस में, कितना होगा I इंटू R1, R2 के अक्रॉस में कितना होगा I इंटू R2, I3 के अक्रॉस में होगा I इंटू R3, इतने रेजिस्टेंसेज हैं। इन सब का सम ये किसके इक्वल होगा, जितने भी सोर्स कनेक्टेड हैं इसमें उन सब के EMF के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा।